और YouTube चैनल अर्न प्रॉफिट पे तमाम नए आने वालों को खुशामदीद, और जो ऑलरेडी हमारे मेंबर्स बन चुके देख रहे हैं उन सबको भी खुशामदीद। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट जो है उसकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी डाउन है, लेकिन भाई जान परेशान नहीं होना। इसी परेशानी में लोग आके अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर बैठते हैं, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। मार्केट है, अप भी जाएगी डाउन भी जाएगी, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों चीज़ों में, राइट। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आपको थोड़ा आगाह करना है, क्योंकि आज CPI का डेटा रिलीज होने वाला है, उसकी डेट उसका टाइम आपको जवाब भी बताएंगे, और मार्केट की सिचुएशन बेहतर होगी, किस तरफ उसका जो है रुख जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग इसी डिबेट में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम शुभाज जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए आप कैसे हैं? जी अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा शुभाज जी, आज आपको जो है ना हम जहमत दी है वो ये कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट, आपको पता है सारी मार्केट हर पॉइंट जो है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से नीचे चला गया, 10% का डेफिसिट आया हुआ है, तो लोग बड़े परेशान है, ऑब्वियसली वी आर आल्सो वरीड अबाउट इट। तो आप हमें गाइड करेंगे ये रीजन क्यों, क्या हो रहा है? ये रीजन तो आपको पता है टेक्निकली रीजंस होती हैं सारी, हम लोगों ने पिछली वीडियोस, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वो लोग तो इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई आप 15% से नीचे का SL लगा के रखें, कम से कम आप 15% अगर आपको लॉस भी होगा तो 15% का लॉस होगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो 2-3x कॉइंस ने मारा है, कॉइंस की हमने प्रेडिक्शन दी थी, तो आपने उसमें से 15% लॉस करके कोई बड़ा लॉस नहीं होता मेरे हिसाब से, तो इजीली आप एग्जिट हो गए होंगे। तो जिन्होंने वो एग्जिट नहीं मारा 15% लॉस लेके, वो वीडियोस नहीं देखी, तो वो अब 35-40% के लॉस में है, मार्केट और ज्यादा डाउन चली गई है। जी बिल्कुल, तो मार्केट बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे कि कल आया जी, ये देखें जी BNP का फंड आया मार्केट में, BNP BUSD का, ठीक हो गया, ये देखें BUSD 0.99 डॉलर से नीचे आ रहा है, वो एक पता नहीं कौन सी टेक्सोस कह रहे थे वो न्यू रिलीज करने वाले हैं, लेकिन US ने उन्हें वो रोक दिया कि और इसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं करें, तो ये समझ लेके वो फंड क्रिएट हुआ था कल, तो एकदम BNP की प्राइस आप देखें 288 से भी नीचे चली गई थी, बहुत ज्यादा एकदम डाउन आई 288 तक गया था। हाँ जी, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट में ये फंड जो क्रिएट होते हैं ना, ये बड़े बड़े वेल्स करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं, जो हम जैसे छोटे छोटे रिटेलर्स हैं वो माल अपना बेच लें, वो बाय करके रख लें, और वो जो है ना क्या नाम लेते हैं बाद में अच्छा प्रॉफिट वही गेन कर जाते हैं, हम लोग पैनिक में आके वो चीजें बेच देते हैं, बाद में हम पछताते हैं यार ये क्या हो गया भाई। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगा के अपना 15% का प्रॉफिट नहीं भी, मतलब 15% लॉस करके अपनी अमाउंट रिकवर नहीं भी की, तो उसको भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि परेशानी तो उसके लिए है जिसको एट द सेम टाइम अच्छा जरूरत है पैसों की, उसको बेचना पड़ा, राइट। अगर तो वो अपने इन अमाउंट को एज इट इज ही रिजर्व रखे, तो जैसे वेल ग्रो करेंगे, जैसे मार्केट पंप होगी दोबारा, तो वेल से भी तो प्रॉफिट निकाल लेना, हमारे जैसे छोटी छोटी मछलियां प्रॉफिट निकाल सकती हैं। तो यही बात मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, तो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और ग्रीडी जो सोच है ना उसको निकाल दें। ग्रीडी सोच यही होती है इंसान की, एक पॉइंट आप देख रहे हैं यार ये पंप कर रहा है, आप कहते हैं यार और ज्यादा जा रहा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा के चक्कर में जो छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा था ना उसको भी आप लॉस कर रहे हैं। आपको पिछली वीडियोज में यही बताया गया था कि आप DCA करते जाए और कॉस्ट निकालते जाए, प्रॉफिट को होल्ड करते जाए, ये अभी 3-4 दिन से मार्केट वही सिचुएशन पे चल रही है। तो खैर आप मुद्दे की तरफ आते हैं वापस, ये देखिए जी वही चार्ट, कोई चेंजिंग नहीं की, कुछ नहीं छेड़ा, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा CPI डाटा रिलीज होने वाला है, ठीक हो गया, सपोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी, ये वाली 20,000 की जो अभी बन रही है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नहीं टूट रही इससे 21,500 वाली स्पोर्ट को इसने तोड़ दिया हुआ, ये देखें जी 21,400-21,350 बिल्कुल ठीक है BTC, और ये तोड़ दी हुई है इसने, 2-3 ट्राइयां की है और मे भी ये 4th-5th ट्राई में ये 21,000 को भी तोड़ दे BTC, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आज ही किया जा रहा है 14 तारीख को शाम को CPI डाटा रिलीज हो रहा है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम 6:30 बजे, ठीक हो गया, उसमें 6.2% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि डाउन हो रहा है, पिछली दफा आई थिंक 6.8% था, और ये डाउन होगा तो ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है पूरी मार्केट में, ठीक हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये नीचे की तरफ भी एक विग मार सकता है,
मे बी कई वीक सूरत में नीचे आए बीटीसी और बाकी आठ कॉइन्स भी जितने भी हैं उस वीक की सूरत में नीचे आए और एकदम से पंप कर दिया। सही है, वीक की सूरत में इसलिए होते हैं जो वो जो फ्यूचर ट्रेडर होते हैं ना उन्होंने एसएल लगाए होते हैं। सही है, बहुत ज्यादा उनको लिक्विडेट करने के लिए एक्सचेंजेस वाले जो है ना वो ऐसा मूवमेंट दिखाते हैं। तो आप लोग गाइस भी केयरफुल रहिएगा, अगर तो ये नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाता है एकदम से तो आपके पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, आप कुछ ना कुछ किसी भी आल्ट कॉइन में आप बाय करके रख लें तो आपको ऑलमोस्ट 15-20% 50% तक का प्रॉफिट इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है एकदम से मार्केट बहुत ज्यादा पंप होती है फिर आप लोगों के पास फिर भी चांस होगा जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो अच्छी एंट्री डालने का वो सॉरी अच्छा प्रॉफिट बुक करने का वो आपको गोल्डन चांस होगा। तो गाइस होपफुली आप ये अंडरस्टैंड करके होंगे वीडियो। तो टेक्निकल एनालिसिस भी वही कह रहे हैं, सॉरी थोड़ा गला खराब है इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो सीपीए डाटा पर नजर रखिए, समटाइम ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आप रोज ट्रेड लें, ट्रेड उसी टाइम लेनी चाहिए जब मौका मिले। वो कहते हैं ना लोहा गर्म हो तो थोड़ा मारे, तो आपकी मर्जी के मुताबिक लोहा को वैसी शेप बना लेता है। वही चीज है मार्केट में, मार्केट में जब पोजिशन बनती है फिर आप वो एंट्री लें और अच्छा प्रॉफिट गेन करें। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सलाम।